गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक पैरासिटिक एडेप्टेशंस इन ऑर्थोपोड्स। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। पैरासिटिज्म जो है वो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि इंडिविजुअली ओरिजिनेट होता है, क्योंकि कोई भी एक एनिमल जो ग्रुप है वो इवोल्यूशन के दौरान डिफरेंट फेजेस से गुजरता है और डिफरेंट कंडीशन से गुजरता है। तो उस दौरान जो इवोल्यूशन हो रहा है, उस दौरान जो जो कंडीशंस उसने फेस की है उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर पैरासिटिज्म ओरिजिनेट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किसी भी एनिमल के अंदर होते हैं। ऑर्थोपोड्स जो हैं वो पैरासिटिक, उनमें जो एडेप्टेशन है वो थोड़े से एनिमल्स के अंदर ही है, क्योंकि ऑर्थोपोड्स जो हैं वो एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है और सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। और यहाँ पर जब ये होस्ट के अंदर रह रहा है तो बेसिकली उनके अंदर, क्योंकि कुछ ही ग्रुप्स हैं जिनके अंदर पैरासिटिज्म प्रेजेंट है, तो ये मोस्टली क्रस्टेशियंस जो है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है और कुछ इंसेक्ट्स और माइट्स जो हैं वो भी पैरासिट्स के रूप में मिलती हैं। अब ये जो जितने भी एक्वेटिक लिविंग इकोसिस्टम में रहने वाले ऑर्थोपोड्स हैं उनके अंदर उसी के अनुसार इवोल्यूशन हुआ है और उसी के अनुसार मॉडिफिकेशन एडेप्टेशंस देखे जाते हैं। जितने भी पैरासाइट्स हैं उन्होंने अपना जो बैलेंस्ड रिलेशनशिप है होस्ट के साथ वो बनाया हुआ है, और क्योंकि होस्ट और उनका जो रिलेशनशिप है वो वहाँ के एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, और जब भी इसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो उनका पैरासाइट होस्ट का जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब भी ये रिलेशन डिस्टर्ब होता है तो एक्सेसिव ब्रीडिंग पैरासाइट्स में देखने को मिलती है और लेजन्स होस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। जितने भी होस्ट हैं वो पैरासाइट के लिए एक बायोटोप का काम करते हैं। बायोटोप मीन्स रीजन ऑफ हैबिटाट। तो ये जो बायोटोप्स वाला रीज़न उन्हें मिल रहा है होस्ट के अंदर, तो उनका जब इवोल्यूशन होता है, होस्ट का जब इवोल्यूशन हो रहा है, तो वो सारा का सारा पैरासाइट पर भी इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि बहुत सारे जो पैरासाइट हैं वो होस्ट स्पेसिफिक हैं और कई कई तो स्पीशीज स्पेसिफिक भी हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं, उन्होंने 1957 में मेयर ने सजेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि होस्ट और पैरासाइट की जो रिलेशनशिप है, अगर हम उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री और इवोल्यूशन देखें तो उससे हमें पता चलता है कि वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है। अगर होस्ट के अंदर चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग पैरासाइट्स जो है उनके अंदर भी, ऑर्गन्स के अंदर चेंज हुआ है। तो इस तरह दोनों का जो इवोल्यूशन है वो क्लोजली रिलेटेड है। कॉमन अडेप्टेशंस पैरासाइट्स के अंदर हम देखते हैं कि किस किस तरह के ऑर्थोपोड्स के अंदर अडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो अडेप्टेशन हैं वो फीडिंग है, क्योंकि मोस्टली जो ये ऑर्थोपोड पैरासाइट्स हैं वो होस्ट के ब्लड पर डिपेंड कर रहे हैं, तो फीडिंग ऑन ब्लड और अदर फ्लूड्स। सेकेंड जो है अटैचिंग, और इनके जो अडेप्टेशन है वो क्योंकि अटैच करने का है और हैंग होना है, क्लिंगिंग, होस्ट पर क्लिंग कर रहे हैं या अटैच हो रहे हैं, तो वो अडेप्टेशन हमें देखने को मिलेंगे। तीसरा जो है डिस्पर्सल ऑफ न्यू होस्ट, न्यू होस्ट पर वो उनको कैसे जाना है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप में को अडेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो होस्ट के अंदर प्रेजेंट है उनकी बॉडी साइज और उनकी शेप में होस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ हुआ है। उनकी लेग्स के अंदर चेंज हुआ हुआ है कि लेग्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस हुए हुए हैं। और तीसरा है माउथ पार्ट्स, क्योंकि माउथ पार्ट्स जो हैं वो सकिंग या च्यूइंग या कटिंग की जो शेप है वो होस्ट को किस तरह से उसे सक करना है,
किस तरह से उससे फूड लेना है उस पर ये डिपेंड कर रहा है। मोस्टली जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो मॉडिफाई हो रहे हैं आर्थ्रोपोड में वो विंग्स और सेंसरी स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हो रहे हैं। अब देखिए इनके अंदर पैरासाइट्स के अंदर जो बॉडी है उनकी जो कंप्रेशन है फ्लैटरिंग है वो भी चेंज हुई है। ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, पैनकेक शेप होती है या लेटरल और नैरो शेप के होते हैं। तो उनके अंदर ये सारे के सारे एडेप्टेशन डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से होस्ट को पेनिट्रेट करेंगे। जैसे जो बग्स हैं उनके अंदर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटर्ड जो बॉडी है वो होती है, जैसे बैट बग्स लाइस एंड टिक्स, ये सब इनकी बॉडी आप देखेंगे कैसी है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटर्ड होती हैं। जो फ्लीज हैं उनके अंदर लेटरल फ्लैटरिंग हमें देखने को मिलती है, फ्लीज में कैसा है लेटरली कंप्रेस होते हैं। और बहुत सारे जो ऑर्थोपोड्स हैं वो विंगलेस हैं, जैसे टिक्स और माइट्स। तो ये भी क्योंकि जब उन्हें उड़ना नहीं है उनका होस्ट इसी तरह से है तो वो टिक्स एंड माइट्स जो हैं वो कैसे रहते हैं, विंगलेस रहते हैं। और कई यूनिक फीचर जो है लिपोप्टीनिया डियर जो पैरासाइट है उनके अंदर जो विंग्स होते हैं वो लूज विंग्स होते हैं, वो उसी एडेप्टेशन का पार्ट है जो डियर के अंदर उसे चाहिए। माउथ पार्ट्स अडेप्टेड फॉर फीडिंग, इनकी मोस्टली जो माउथ पार्ट्स हैं वो होस्ट बॉडी के फ्लूड को लेते हैं और स्किन हेयर और फेदर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनके जो माउथ पार्ट्स हैं च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं और ये जो सॉलिड टिश्यू है होस्ट का उसको खाते हैं। एक चीज़ है टेल्मोफेज, टेल्मोफेज ऑर्थोपोड के जितने भी माउथ पार्ट्स हैं वो है स्किन को कट करने के काम में आता है और वहाँ का जो ब्लड है ब्लड का जो पूल है उसे खाने के काम आते हैं। डियर फ्लाइज के अंदर ब्लैक फ्लाइज बाइटिंग मिडेज इन सब के अंदर इस तरह का प्रेजेंट होता है, ब्लेड की तरह इनके अंदर प्रेजेंट होता है माउथ पार्ट्स। ब्लैक फ्लाइज जो हैं वो रिवर के अंदर ट्रांसमिट करती हैं ब्लाइंडनेस। तो इस तरीके से हर जितने भी ऑर्थोपोड्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरह का एडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है। माउथ पार्ट्स सोलानोफेस जो माउथ पार्ट्स हैं वो पियर्सिंग के लिए और सकिंग के लिए अडेप्ट हुए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। और दूसरा है बाइटिंग मिडेज माउथ पार्ट्स जो कि लेब्रम मैंडिबल्स मैक्सिली हाइपोफेरिंग्स इनके अंदर ब्लेड की जैसी होती है और जिसमें छोटे छोटे टीथ प्रेजेंट होते हैं। लेबियम जो होता है वो एक शीत की तरह काम करता है। क्यूलिकोलाइडीज टाइप के जो हैं माउथ पार्ट्स वो वेक्टर्स जैसे वायरसेस जिनके एपिजियोटिक हेमरेज करने के ये काम आते हैं डियर के अंदर। और प्रोबोसिस कंपोनेंट जो है वो लेब्रम मैक्सिली मैंडिबल्स हाइपोफेरिंग्स और लेबियम होता है। मॉस्किटो के अंदर जो पार्ट्स हैं जो कि पियर्सिंग के लिए काम आते हैं वो लेब्रम मैक्सिली मैंडिबल्स हाइपोफेरिंग्स। ये क्या करते हैं, एक बंडल को फॉर्म करते हैं जो कि स्किन को पियर्स करती है और लेबियम जो है वो बाहर की तरफ रहता है। ये जो इसका मॉस्किटो का लेब्रम जो है वो फीडिंग ट्यूब बनाता है जैसे स्ट्रॉ की तरह उसके अंदर होता है और वो ब्लड को सक करता है। और मैंडिबल्स और मैक्सिली जो है प्राइमरी पियर्सिंग स्ट्रक्चर्स हैं। मॉस्किटो हाइपोफेरिंग सलाइवरी चैनल्स ये जो हैं
जो सिंपल टाइप के जो टिक्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। टिक्स के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। फर्स्ट जो इनके अंदर एडेप्टेशन है वो पियर्सिंग होस्ट टिश्यू, ये होस्ट के टिश्यू को पियर्स करते हैं, फिर एंकर करते हैं होस्ट को, फिर ब्लड को ड्रॉ करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, डायरेक्ट डाइजेस्टिव जो ब्लड है उसे करते हैं। और इसके अंदर जेली सेरा जो है वो इस सब में हेल्प करता है माउथ पार्ट का। टिक और माइट्स के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो पिंसर लाइक होते हैं और ये मूवेबल डिजिट्स होते हैं, इनके अंदर जो डिजिट्स है वो मूवेबल होती हैं और अदर जो पार्ट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। चेलीसेरा टिक का जो होता है उसकी वो यूनिक फीचर है, और इसके अंदर जो लॉस्ट चिलेट जो तो लॉस्ट होते हैं टीथ ब्लेड लाइक पियर्सिंग स्किन के काम आते हैं। अब देखिए टिक का जो हाइपोस्टोम का जो फंक्शन है वो बैकवर्ड पॉइंटिंग टीथ होता है, उसको टीथ को बैकवर्ड पॉइंटिंग करता है वो, जिससे कि वो इंसर्ट कर देता है अपने माउथ को होस्ट की स्किन के अंदर, और इसके अंदर पेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से यहाँ के इसके जो क्लॉज हैं माइट्स के वो चेलीसेरा टिप के, जो चेलीसेरा का टिप है वो क्लॉज लाइक होता है। अब जो इंसेक्ट्स के जो लेग्स हैं उसमें कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है, इनके जो लेग्स हैं वो बॉडी से अटैच करने के काम आते हैं, और इसमें टार्सोमियर्स और टार्सस का जो डिवीज़न है वो फ्लेक्सिबल होता है, और इनके जो एडेप्टेशन है वो स्विमिंग, बरोइंग, जंपिंग और रनिंग टाइप की होते हैं। लेकिन जो होस्ट पैरासाइट्स हैं उनके, जैसे हम फ्ली के अंदर देखें, उनका जो हैंड लेग है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, इनके अंदर एनलार्ज मसल हो जाती है, फीमर के अंदर इलास्टिक प्रोटीन इनके अंदर प्रेजेंट है, रेजिलिन। रेजिलिन क्या है? इलास्टिक प्रोटीन है, जो कि यहाँ पर हम फ्ली के वो देख सकते हैं। फ्ली का जो रेजिलिन है वो क्या है? इलास्टोमेरिक प्रोटीन है, जो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, और ये क्या है? सॉफ्ट रबर या इलास्टिक जैसा मैकेनिकली सपोर्ट देता है और ये स्ट्रॉन्ग बनाता है टिश्यू को, लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है। ये जो प्रोटीन है फ्ली के, ये इसे एनर्जी देते हैं, इंटेंस एनर्जी देते हैं ताकि ये जंप कर सके, और मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके अंदर ये रेजिलिन प्रोटीन हेल्प करता है, और ये हाइंड लेग्स के अंदर रेजिलिन पैड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइस के लेग के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं? इनकी जो लेग्स होती हैं वो एक जगह अटैच होने के लिए मॉडिफाइड होती है, और उसका जो होस्ट को ग्रैस्पिंग, जो हेयर की जो ग्रैस्पिंग है वो अच्छे से करने के लिए ये मॉडिफाइड होते हैं, और इसके अंदर टीबिया और टार्सस जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होते हैं ताकि होस्ट की हेयर को ये अच्छे से घेर के रखे। लाइस की जो क्लॉ है उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी होता है, और टार्सस आर्टिकुलेट्स जो हैं वो, ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो हेयर के डायमीटर के अकॉर्डिंग चेंज हुए हुए रहते हैं। आज हमने ऑर्थोपोड्स के अंदर मिलने वाले मॉर्फोलॉजिकल जो एडेप्टेशंस हैं, किस किस तरह से उनके अंदर बॉडी के अंदर चेंज होते हैं, उसके बारे में जाना। थैंक यू सो मच।